नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर में। जी हां, नीतीश कुमार ने आज द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपने सभी विधायकों के साथ वोट डाला है और क्या है बड़ी अपील, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यशवंत सिन्हा के समर्थन में उतर करके राजद ने दिखाई अपनी संपूर्ण ताकत, बिहार में क्रॉस वोटिंग के भी मिले संकेत। इसके साथ लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य की अच्छी खबर निकल कर सामने आई, जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा है जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसे दी राहत और किसको बताया कि सरकार के द्वारा जा रहा है किया जा रहा है परेशान। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे, शिवसेना ने आज 100 से ज्यादा नए पद पर लोगों को किया बहाल, इस वक्त की बड़ी समाचार। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे, कैसे एक बार फिर से जिया आजम खां की मुश्किलों को बढ़ाया जा रहा है, आजम खां फिर से जा सकते हैं जेल। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालकर इस बार एक बार फिर से इतिहास रचने का मूड और मिजाज बनाया। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे, 15 अगस्त के दिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लहराएगा जी हां हिंदुस्तान में सबसे अधिकतम तिरंगा। इसके साथ ओम प्रकाश राजभर गठबंधन तोड़कर लगातार नए सिरे से तलाश कर रहे हैं नए लोगों का। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे, जी हां किस तरीके से जी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ही कार्यकाल के अंदर किन किन चीजों में घोटाला किया, संपूर्ण जानकारी देंगे। श्रीलंका की बढ़ती मुश्किलों के बीच में भारत का एक फिर से हाथ सामने आया, जयशंकर ने कहा करेंगे हम भी मदद। इसके साथ गूगल पर भारत का सिकंजा, रेवेन्यू बढ़िया से शेयर किया जाए अन्यथा हो सकती है परेशानी, तो बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, इस वक्त की महत्वपूर्ण समाचार से जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोस्तों आज सांसद भवन के अंदर जी हां लगातार सरकार इस सोमवार को कई विधेयक को पास करना चाहती थी, इस बार की सोमवार कई मायनों में खास रहा। सावन के पावन महीनों में सोमवार का एक अलग महत्व होता है, भगवान शिव की सोमवार यानी सोम दिवस माना जाता है और इसे काफी धूमधाम से लोग जी हां सेलिब्रेट करते हैं, कांवर लेकर की यात्रा करते हैं। लेकिन इस सोमारी निकले यात्रा पर कुछ लोगों ने सांसद भवन की तस्वीरों को देखकर हाइफ काट गए। जब दोस्तों सांसद भवन के अंदर कई नियमों को लागू किया गया लेकिन उसके बावजूद भी स्थगित करनी पड़ी, कानूनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी सांसद भवन की कार्रवाई उस वक्त जब सांसद भवन में विपक्ष के द्वारा हंगामा तेज हो गया। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी तस्वीरें सामने आई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें क्या बढ़ रही है, क्या 2024 में बढ़ती लोकप्रियता प्रधानमंत्री की कम होगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। जी हां विपक्ष द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई प्रकार के अनर्गल बातों का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब इन बातों के प्रयोग करने वाले लोगों को खैर नहीं होगी। इसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बार संपूर्ण तरीकों से 2024 में अपने ताकतों का इजहार करने के लिए लगातार निकल चुके हैं। निकले प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बार बताया है कि कैसे एक बार फिर से देश को नए रास्तों पर ले जाकर के विकास को संपूर्ण किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कई और भी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है जो कई मायनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसके साथ दोस्तों प्रधानमंत्री के चाहने वाले लोगों ने कहा कि संपूर्ण जो है इस बार 2024 के अंदर प्रधानमंत्री की कई ऐसी सीटों पर जीत हासिल होगी जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर के, केजरीवाल ने आखिरकार जी हां विपक्षी मीटिंगों से विपक्षी बैठकों से दूर रहने के बावजूद भी यशवंत सिन्हा को क्यों किए समर्थन, आइए आपको विस्तार से देखते हैं। गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव पर अपनी फोकस बढ़ा रही है। इधर एक तरफ जी हां आपको बता दें कि कांग्रेस का सत्ता छीन पंजाब में वापस कर चुकी है लेकिन टारगेट अब गुजरात के अंदर है। अगर यशवंत सिन्हा का समर्थन वह नहीं करते, द्रौपदी का समर्थन करते तो शायद इसका इम्पैक्ट गुजरात चुनाव पर पड़ सकता था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से निर्णय
विधायक और बड़ा फैसला लिया गया बैठक में कि वह द्रौपदी जी को समर्थन नहीं करेंगे बल्कि उनका सम्मान वह आज भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सम्मान हम आज भी करते हैं, कल भी करेंगे और परसों भी करते रहेंगे, ये हमारा सिद्धांत और स्वाभिमान है। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, गुजरात में बाढ़ है और इधर जी हाँ बीजेपी की सरकार है, इसके साथ बिहार में सुखाड़ है और नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में दरअसल दोस्तों हर एक बार बाढ़ जैसे हालात लोगों को चिंता का कारण बन जाते थे, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज आई कुछ तस्वीरों ने लगातार लोगों को अब राहत की सांस दी है, क्योंकि दोस्तों गुजरात से अक्सर पानी निकलने के बाद में जमाव की स्थितियों के हटने के बाद में कुछ राहत भरी तस्वीरें सामने आई, लेकिन मुश्किलें उस वक्त ज्यादातर बढ़ने लगी जब बिहार के अंदर सुखाड़ पड़ता दिखाई दिया। इधर नीतीश कुमार की सरकार को मुआवजा काफी ज्यादा देना पड़ सकता है, फसल बीमा का योजना लोगों को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों इस बार काफी बड़ा पैमाना लोगों को परेशान कर रहा है। हर एक साल बिहार में थोड़ी बहुत बारिश जरूर होती थी, लेकिन इस बार बिहार में बारिश तो हुई ही नहीं। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां नेटवर्किंग फील्ड के हर एक वो चीज़ मौजूद रहेंगे जिसे आप सोच सकते हैं। अगर आपकी सोच विमान यात्रा की है तो हर एक जिलों के अंदर मानिए जैसे विमान के ही रास्ते बिछे हुए हों। दोस्तों शुरुआत करते हैं जी हाँ कुशीनगर से। आपने कुशीनगर जी हाँ एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, गोरखपुर एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, बनारस एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, इसके साथ लखनऊ, कानपुर और तमाम अन्य जगहों पर एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा। एयरपोर्ट का जाल योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ इस कदर बनाया गया कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वक्त आपको लगेगा ही नहीं, महज कुछ वक्त के साथ आप अपने दूरियों को मिनटों में कैद कर लेंगे। मिनटों और सेकेंडों की बातें उत्तर प्रदेश में होनी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता अब समझदार हो गई है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी के समर्थन में जय कार करते हुए नजर आई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपति चाहिए, हमें मूर्ति नहीं चाहिए। इस पर साफ तौर पर भड़कती जी हाँ नजर आई द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कई प्रकार के कई बातों को कहा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट डालने वाले जी हाँ राजद ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में कोई काम नहीं करेगा, दबाव से हट करके वह अपने कामों को करेगा, दबाव में ना रहते हुए वह अपने कामों को करेगा, दबाव वह नहीं झेल सकते और दबाव झेलने की अब वह चाहते नहीं रखते। उन्होंने साफ तौर पे कहा हमें समर्थन जिसे करना होगा उसे सुपर सुपर समर्थन होगा, जिसे हमें समर्थन नहीं करना होगा उसके बारे में भी हम जानकारियां देते रहेंगे। तेजस्वी यादव अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि बिहार में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर राजद को लेकर के उभरें तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की रिपोर्ट आज लोगों के लिए राहत की तस्वीरों को लेकर के मानो जैसे आ गई हो, क्योंकि आज कोरोना की रिपोर्ट एक बहुत कम आई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने राहत की सांस ली है। देश के अंदर कोरोना का रिपोर्ट कम आने से लोगों को एक नया शुरुआत हुई है और इसके साथ ही जी हाँ नई तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मानता है कि बहुत कम ऐसे जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। दोस्तों वहीं भारत ने वैक्सीनेशन के एक अलग ही अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, जो भारत लगातार 8-9 महीनों में अचीवमेंट प्राप्त किया है, अचीवमेंट लगातार उसके द्वारा किया गया है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लगाए जाने का वह अभी तक किसी भी देश के द्वारा ब्रेक नहीं किया गया। दोस्तों लगातार भारत में कोविड-19 की वैक्सीनेशन को विकसित किया गया, वैक्सीनेशन को प्राप्त होने के बाद में लगातार लोगों के अंदर इशू दिया गया, 18 साल से कम उम्र के लोगों पर भी ट्रायल हुआ, इसके साथ कई लोगों पर इसे ट्रायल कर इसे दिया गया। तो दोस्तों अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन नहीं ली है तो कोरोना को हराने में वैक्सीन जरूर लें। बड़ी खबर निकल गई है, सामने आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई भारतीय बैंकों पर लोन देने से रोक लगा दी है, जिसमें से दिल्ली समेत कई राज्यों के बैंक मुख्य तौर पर सामने आए हैं। इन बैंकों के द्वारा पैसों की रकम काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापारियों को दे दी गई, लेकिन आज वह पैसों की रिकवरी करने के लिए
पुरचूर लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि बैंकों की लगातार परेशानियां बढ़ी है। दोस्तों आज बैंकों के अंदर कई नियमें सामने आई है, लेकिन इसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन देने से यानी कर्ज देने से उन लोगों पर मनाही की है जो बैंक कर्ज बांटे थे और कर्ज बांटने के बावजूद भी वो अपने पैसों की रिकवरी समय पर नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो दी गई है, एक महत्वपूर्ण और बड़ी समाचार निकल करके भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने कहा, जाने वाले को जाने दो, हम भला कैसे रोक सकते हैं, जाने वालों का हम भला पांव कैसे मोड़ सकते हैं। जाने वाले जाएंगे और आने वाले आएंगे, हमें ना जाने वालों को रोकना है और ना आने वाले को रोकना है। दोस्तों ये सारी बातें चाचा और भतीजा पर हुई, इसके साथ भतीजा पर यह सब कुछ कहा चाचा ने कई बार, तो आज जो है वो संपूर्ण तरीकों से रिएक्ट अखिलेश यादव ने भी किया। ज़्यादातर उन पर राजभर को उन्होंने निशाने पर लिया और ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर लेते हुए इन बातों को कहा। दोस्तों ओम प्रकाश राजभर कई बार ये संकेत दे रहे हैं कि वह पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे, अब उनका गठबंधन नहीं रहेगा, उस पर ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और इसके साथ साथ कई चीज़ें और निकल करके सामने आती रही। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कैसे दोस्तों लगातार मजबूत हो रहे हैं अखिलेश यादव, यह सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है इस वक्त, जी हाँ आपको बता दें एक बार फिर से खबरें निकल करके सामने आ रही है सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के। सोना और चांदी एक बार फिर से महंगा होता हुआ नज़र आया है, सोने की कीमतों में लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। पहले के मुताबिक पहले महंगा और अब सस्ता होता हुआ नज़र आया सोना, सोना लंबे वक्त के बाद में जी हाँ सस्ता होता हुआ नज़र आया है और इसके साथ ही सोने की कीमत में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद लोगों को सुकून की एक और तस्वीरें मिली है। शादियों के मौसमों के बाद में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है जो लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबरें हैं। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है, इस सभी खबरों को देखते हुए तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। तो सोने और चांदी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है बड़ी खबर। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त, बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। तो राजभर ने साफ तौर पर पार्टी छोड़ने जैसे और गठबंधन तोड़ने जैसे बड़े निर्णय को लेते हुए एक बार भी नहीं सोचा है। शायद यही कारण है कि वह बिना कुछ सोचे कई बार बयान देते हैं और इन बयानों का कुछ इफेक्ट कुछ प्रभाव पड़ता है। लगातार पड़े प्रभाव के कारण जी हाँ लोगों को इस पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर सपा से गठबंधन तोड़कर मुलाकात करना किया आज योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने कहा कि अगर मैं करूं मुलाकात तो जी हाँ मेरा कैरेक्टर ढीला और आप करें तो वाह वाह क्या बात है। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ आईटीटी न्यूज़ के लिए। दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।